सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क न्यू मेगा मॉडेड सीरीज का। सो गाइस, आर्क न्यू मेगा मॉडेड सीरीज के पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमने जो है ना गाइस यहाँ पे टेम करा था एक सेलेस्टियल वाला स्पाइनो। और मैंने बोला था कि आज के इस एपिसोड में उस सेलेस्टियल वाले स्पाइनो को जो है ना गाइज मैं यहाँ पे इवोल्व करने वाला हूँ। मैं एक नहीं गाइज, उसको ना दो इवोल्यूशन यहाँ पे देने वाला हूँ। फर्स्ट करप्टेड, सेकंड असेंडेड। तो दो इवोल्यूशन जो है ना गाइज आज हम लोग हमारे स्पाइनो को देने वाले एंड उसके बाद उसको काफ़ी खतरनाक वाले बॉसेस से यहाँ पे भिड़ाने वाले। तो आज का ये वाला जो एपिसोड है ना गाइज इसमें तो आएगा एकदम फुल टू मजा। बाकी आज का जो एपिसोड है गाइज वो यहाँ पे जो है ना गाइज शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे फटाफट से गाइज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो है ना गाइज सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइज। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गेमिंग विद एनी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का। सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है ना गाइज वो भी अनलॉक है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। आपका छोटा सा सपोर्ट भी गाइज यहाँ पे हमारे लिए काफी मायने रखता है। तो जरूर से लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में जो थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश करना। और गाइज आप लोग अगर यहाँ पे जो है ना आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाना चाहते हो तो नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक नेट्राडो सर्वर का। नेट्राडो सर्वर पे आप लोग जो है ना गाइज किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो। तो जरूर से चेकआउट कर लेना नेट्राडो सर्वर्स को भी। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, करते हैं अभी आज का जो एपिसोड है उसकी शुरुआत बिना किसी देरी के और मचा डाल दें एकदम बोल जो तबाही ना मेरे भाई। तो गाइज देखो ये रहा अपना स्पाइनो, अपने पास पड़ा हुआ है भाई स्पाइनो। ये रहा गाइस अपना स्पाइनो। अभी स्पाइनो को ना भाई यहाँ पे बारिश बिरिश हो रही है, बारिश को मारते इग्नोर और सीधा डेजर्ट में चल के ना दो इवोल्यूशन देते हैं। यहाँ से थोड़ा ब्लड भी उठा लूँ मैं। और गाइस देखो हम लोग को स्पाइनो को दो इवोल्यूशन देना है। एक इवोल्यूशन देंगे हम लोग भाई असेंडेड वाला, जो कि ये सोल भाई खिला के उसको इवोल्यूशन असेंडेड वाला मिल जाएगा। बट गाइस उसका तो दूसरा इवोल्यूशन है ना गाइस वो यहाँ पे होगा करप्टेड वाला। उसके लिए मुझे जो है ना गाइस यहाँ पे करप्टेड वाली ये क्लस्टर बनानी पड़ेगी। सो फटाक से मैं करप्टेड वाली जो क्लस्टर है वो यहाँ पे बना लेता हूँ। और चलो गाइस अभी इसको लेके हम लोग सीधा डेजर्ट में निकलते हैं। ओके, ओ बारिश भी अभी थोड़े टाइम में मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जाने वाली है। कूद जा भाई सीधा नीचे, कूद। हाँ लेट्स गो। चलो गाइस सीधा चलते हैं डेजर्ट में। और डेजर्ट में आज तो बूम बाम भाई एकदम उल्टू होने वाला है, सबकी बैंड बजाने वाले एकदम भाई, सबकी जी से डी बाहर निकालने वाले भाई। ठीक है आ जाओ भाई, देखना कौन कौन से बॉसेस को तुम्हारा भाई मारता है। ठीक है भाई, तो गाइस देखो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है अपन को, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं सीधा इसकी इन्वेंट्री में डाल रहा हूँ ये वाली सोल। ये सोल हमको पिछले वाले एपिसोड में एक बॉस को मारने से मिली थी। ठीक है, सो ये वाली सोल मैं डाल रहा हूँ इसकी इन्वेंट्री में। ये गई सोल, इसका निकाला मैंने सैडल, निकाला सैडल। अभी इसको मैं करने वाला हूँ असेंड डाइनो। रेडी हो? 1 2 3 हियर वी गो। आ मेरी जान, ओए 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 ओए, लेट्स गो। आहा भाई साहब असेंडेड सेलेस्टियल स्पाइनो, ओ भी बोल देना मेरे भाई। लुक देखो भाई का, भाई इस तरफ से फुल डू वॉशिंग पाउडर निर्मा से भाई नहा क्या ऐसे लग रहा है भाई। देख रहे हो दूध की तरह सफेद, नीचे से जहाँ पे थोड़ा अंधेरा है वहाँ पे ब्लू एंड ब्लैक, और इधर भी थोड़ा सा ब्लू एंड ब्लैक क्योंकि इस तरफ भी ज़्यादा रोशनी नहीं पड़ रही। जिस तरफ से सूरज होता है उस तरफ जो ना क्या जिसका कलर एकदम फुल टू सफेदी की दुकान की तरह वाइट लगता है भाई। देखो हाँ, रुको हम लोग अभी यहाँ पे सैडल इसको पहनाते। और गाइस इसका अगला वाला इवोल्यूशन करने से पहले मैं इसको जो है ना मैक्स लेवल अप करके देखना चाहता हूँ कि इसका डैमेज कितना जा रहा है। उसके बाद इसका करप्टेड इवोल्यूशन भी निकालेंगे, फिर डैमेज देख लेना। ठीक है भाई, इतनी लेवल अप इनफ होगी इसके। हाँ इतनी इनफ है। अभी बचे हुए सारे के सारे पॉइंट में इसके मिली डैमेज में डाल रहा हूँ। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट देखते गाइस कि हमारा स्पाइनोसॉरस जो है ना गाइस वो यहाँ पे कितना ज़्यादा खतरनाक वाला डैमेज जो है ना वो दे पाता है भाई। ठीक है, ये हो गया मैक्स लेवल और भाई ये हो गया इम्प्रिंट। भाई असेंडेड सेलेस्टियल स्पाइनो को इम्प्रिंट भी कर दिया है मैंने। और रुको गामा ठीक करने दो, बारिश आई थी तो मैंने गामा बढ़ा दिया था।
थोड़ा हाँ कम कर लेता हूँ। सो वन पॉइंट, रुको रुको क्राय कर लो पहले, क्योंकि ग्लिच हो जाता है कभी कभी गाइज, आपको भी बताए ठीक है। सो गाइज ये रहा अपना स्पाइनो 1.1 बिलियन हेल्थ के साथ, बट हमको इसके हेल्थ से कुछ भी लेना देना नहीं। बाकी गाइज आप लोग स्पाइनो का लुक तो देख ही सकते हैं यार, काफी बढ़िया वाला लग रहा है यार। स्पाइनो इवॉल्व करने के बाद इसका लुक तो एकदम भाई खतरनाक लग रहा है। अभी मैं आपको इसके अटैक्स दिखा देता हूँ ठीक है। सेम वही अटैक है जो गाइज पहले वाले सेलेस्टियल स्पाइनो के पास थे। दो पैर चार पैर, लेफ्ट क्लिक करने से दो पैरों पे खड़ा होता है, वापस से लेफ्ट क्लिक करने से चार पैरों पे खड़ा होता है। चार पैरों पे इसका डैमेज कम होता है, दो पैरों पे इसका डैमेज काफी तगड़ा वाला जाता है। उसके बाद अटैक्स की बात करें, सो गाइस पंजे मारने वाला अटैक राइट क्लिक पे, सी पे मुंह से सिलेस्टियल वाले बॉम्ब फेंकने वाला अटैक, और एक्स पे मुंह से ब्लू कलर की सिलेस्टियल फायर छोड़ेगा। सेम अटैक से, इसके अलावा और कोई अटैक नहीं है। बट गाइस अभी हम लोग देखेंगे इसका डैमेज कितना जा रहा है। रेडियो Here we go. कितना गया? अरे भाई साहब 488 मिलियन। अगर आप सोच रहे हो 488 मिलियन तो काफी कम डैमेज है। रुको गाइस, पावर अप, मैंने इसको पावर अप नहीं करा था, मैं पावर डाउन मोड पे था। ये हो गया पावर अप। पावर अप करते इसके आजू बाजू आप देख ही सकते हो एक भाई रिंग बन चुकी है गाइस। ये देखो, देख रहे हो गाइस, हल्की से एक रिंग बन चुकी है। और गाइस अभी देखना इसका डैमेज। ओके डैमेज देखना चाहोगे? कितना? 976 मिलियन। रुको गाइस, एक्साइटेड नहीं हो ना? पता है काफी तगड़ा वाला डैमेज है। पता है दो चार पैरों पे 888 डैमेज, और गाइस यहाँ पे दो पैरों पे 976 मिलियन डैमेज, लगभग 1 बिलियन डैमेज ठीक है। अभी गाइस रुको, ये इसका मैक्स डैमेज नहीं है, इसको लेके चलते पानी के नजदीक ठीक है। स्पाइनोसोरस जब तक पानी के पास है ना, तब तक वो सबसे खतरनाक वाला डायनो होता है, ये हमेशा याद रखना। सो गाइज ये हो गया इसका, ये पानी को टच कर लिया, 1 बिलियन अगर इसने क्रॉस नहीं करा डैमेज ना, तो भाई अनसब्सक्राइब कर देना भाई, डायरेक्टली बोल रहा हूँ। 1 बिलियन अगर इसने क्रॉस नहीं करा है तो आपको अनसब्सक्राइब कर देना है। अगर इसने क्रॉस करा तो गाइज आपको लाइक और भाई सब्सक्राइब कर देना है, जिन्होंने भी नहीं करा होगा, और जिन्होंने करा होगा उन लोग को शेयर भी कर देना है ठीक है। चैलेंज गाइस, चैलेंज, चलो लेट्स गो। देख दे गाइस 1 बिलियन डैमेज जाएगा इसका, 1 बिलियन से ज्यादा, 1 बिलियन से ज्यादा डैमेज जाएगा। रेडियो आ जाओ, चलो डैमेज देखो, डैमेज 1.1 बिलियन। चलो गाइस फटाफट चैलेंज में तुम्हारा भाई यहाँ पे जीत चुका है। इसका डैमेज 1.1 बिलियन जा रहा है भाई, लगभग भाई 150 मिलियन डैमेज खाली पानी में कदम रखने के कारण यहाँ पे बढ़ चुका है। खाली पानी में जाके मैंने कदम रखा भाई, लगभग 150 से 200 मिलियन डैमेज डायरेक्टली यहाँ पे बढ़ गया भाई। मजाक हो रहा है क्या? 1.1 बिलियन, हे भाई स्पाइडर सच में काफी ज्यादा गदर रखे गए। ओ पानी वाला बब चला गया यार, वापस से नॉर्मल डैमेज हो गया इसका, वापस से नॉर्मल डैमेज हो गया। देखो 976 मिलियन। चलो गाइज अभी आप सोच रहे होंगे हाँ भाई स्पाइनो तो बहुत खतरनाक है, इसका डैमेज भी खतरनाक जा रहा है। रुको गाइज, रुको जरा सबर करो, इसका अभी एक लास्ट इवोल्यूशन स्टिल बचा हुआ है, तो वो इवोल्यूशन भी कर ले भाई को, दे दे ये करप्टेड नूडल्स या क्लस्टर चला गया इसकी इन्वेंट्री में। और गाइज 1, 2, 3 इसका सेकेंड इवोल्यूशन, हियर वी गो। आहा कम ऑन बेटा, ले बेटे, गिगा रहा है। इधर आ, 1000 लेवल भाई, लेवल देखो 1000 लेवल का सिलेस्ट्रल स्पाइन हो चुका है। ये सैडल पहन ले भाई, सैडल पहन ले। ओह और इसकी जो ना गाइस अभी लेवल अप नहीं आएगी, क्या गाइस लेवल अप नहीं आएगी, इसको इम्प्रिंट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी इम्प्रिंटेड है ठीक है। और अगर आप इसकी हेल्थ देखोगे तो आप बोलोगे भाई कुछ भी भाई फर्क तो पड़ा नहीं है, हेल्थ कम हो गई क्या? 1.1 बिलियन ही है ना? हाँ 1.1 बिलियन ही हेल्थ है। बट गाइज इसका भी डैमेज देखना ठीक है, डैमेज देखना कितना, 500 मिलियन जा रहा है ठीक है। दो पैरों पे 600 मिलियन ठीक है गाइज, दो पैरों पे इसका जो डैमेज है वो 600 मिलियन जा रहा है। बट गाइज अभी तक मैंने इसको पावर अप नहीं करा है, ये हो गया यहाँ पे पावर अप। यार भाई लुक जो है ना, पावर डाउन कर ऐसा लुक देखना भाई, करप्टेड वाला लुक भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये देखो वही भाई सबसे खतरनाक और डरावना अगर कोई लुक होता है ना तो वो करप्टेड वाला लुक होता है हर डायनो का भाई, बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है। देखना
देखो चिल्लाते वक्त तो भाई और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है ये सिलेस्टियल वाला स्पाइनो। चलो अब इस गाना पहले डैमेज देखते पावर अप करके। भाई रुको रुको रुको, इसके दूसरे जो अटैक्स है लाइक सिलेस्टियल बॉम्ब उसका भी डैमेज देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये कर लिया पावर अप, पावर अप के बाद 1.1 बिलियन। आप बोलोगे भाई उतना ही डैमेज दे रहा है जितना पहले दे रहा था। रुको 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 रुको, अभी हम लोग पानी के नजदीक नहीं गए। पिछली बार पानी वाला इफेक्ट यहाँ पे लेके इसने, ये कौन सा वाला है, स्पेक्ट्रल टेमेबल है क्या? हाँ नॉट टेमेबल है, बग बेस क्या, मुझे लगा टेमेबल वाला डाइनो है यार एक टाइम के लिए। चलो गाइस चलते हैं और पानी वाला बफ लेके आते हैं, उसके बाद में आपको इसका असली डैमेज दिखाता हूँ। ये मिल गया पानी वाला बफ भाई, ठीक है। और भाई डैमेज 1.3 बिलियन या उससे भी ज्यादा, 1.3 बिलियन, लेट्स गो बॉयज, 1.3 बिलियन डैमेज देने वाला स्पाइनो। और गाइस मुझे अगर आग छोड़े तो 1.6 बिलियन डैमेज तो है भाई 1.6 बिलियन डैमेज। हेलो वाओ, कड़ा डैमेज है भाई 800 मिलियन, 1.6 बिलियन इसका डैमेज आ रहा है। फायर अटैक, फायर भाई 178 मिलियन फायर अटैक। और ये वाला जो अटैक है ना, ये वाला देखो भाई 1.6 बिलियन का डैमेज दे रहा है मुंह से। ये गोले छोड़ने वाला सिलेस्टियल बम, मुंह से सिलेस्टियल बम फेंकने वाला अटैक 1.6 बिलियन का डैमेज दे रहा है भाई साहब। इसका डैमेज भाई लाजवाब है भाई। भाई इससे तो अभी भाई बॉसेस की बैंड बजाना बनता है बाबा। जा रहा हूँ लेने के लिए बॉस फाइट भाई, जा रहा हूँ मैं लेने के लिए बॉस फाइट, टेंशन नहीं लेने का। आ जाओ, चलो आ जाओ गाइस। किधर है भाई, किधर है वो मेरा टर्मिनल? ये रहा मेरा टर्मिनल बॉस फाइट वाला। रुको गाइस, अब बिड़ी करके देता हूँ रुको। ये ले भाई हार्ड मोड वाले बॉसेस को स्पॉन कर ले यहाँ पे, हार्ड मोड वाले बॉसेस सीधा बात खत्म भाई। समॉर्निंग रेजिमेंट ले, पहले बुला भाई आप इसको, हाँ रिजरेक्टेड गोलेम को बुला, उसके बाद बायनिक, ये कौन है मैग्मासोर, इसको भी बुला लेंगे भाई। आने दो गोलेम को भाई, गोलेम को इसे चुटकी बजा के मार दूंगा बेस क्या। रुको इसको वो करने दो, स्टैमिना जो ना गाइस वो रिजेन करने दो। और ये हो गया पावर अप, ये आ गया अपन लोग दो पैरों पे रहते तो अपना डैमेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। गाइस क्या लगता है कितने सेकेंड्स में मैं इस गोलेम को मार पाऊंगा, कितने सेकेंड्स में बस बताना। मुझे लग रहा है एक मिनट से ज़्यादा टाइम मुझे लगना नहीं चाहिए, एक मिनट से ज़्यादा टाइम देखते। चलो एक गोलेम को आने दो जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक बॉस माना जाता है। तुझे नाना जी तंगड़ी कह रहे हीरो बनेगा, अरे तेरे मिनियन के भेज की आज, चल निकल। काउंट करना गाइस कितने सेकेंड में इसको मैंने पेला है। अरे नहीं यार बहुत टाइम लगेगा लग रहा है मेरे को तो लग रहा बहुत टाइम लगेगा यार। मेरा डैमेज तो है लेकिन मेरे पास कोई बर्निंग डैमेज नहीं है, समझ रहे हो। मेरा ये वाला टाइम वन टाइम। क्या फाइट चल रही है बेस क्या, क्या फाइट चल रही है। मैं दो पैरों पे खड़ा होकर इस रिजरेक्टेड गोलेम की बैंड बजाए जा रहा हूँ, और अगर मेरे पास बर्निंग अटैक होता ना तो ये मेरे सामने टिक नहीं पाता भाई। अभी देखो भाई हीरो बन रहा है बेस क्या। वैसे हेल्थ कितनी बची है भाई तेरी, हेल्थ कितनी बची है भाई? मैंने इसकी भाई लगभग ना 40% हेल्थ डाउन कर दी है, ठीक है, लगभग 40%। और इसको मैं ओनली यहाँ पे 7 मिलियन का डैमेज एक टाइम पे दे पा रहा हूँ यार जी। भाई फ्रूट मदर कहाँ से आ गई, तो उसको 4 रुपये दे देता हूँ। क्या आवाज हो रहा है ना एकदम लाउड है गाई। आ गया भाई वो देखो इसके मिनियन, देखो कुछ ज़्यादा ही लाड़ में आ रहे बेसिक। तेरे मिनियन को संभाल बेटा, तेरे मिनियन को संभाल, पत्थर वित्तर फेंक रहा है भाई, स्केलेटन वाले हड्डियाँ फेंक रहा है मेरे ऊपर ही है। रुक बेस क्या, ये ले 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 ये मैं पावर डाउन, डैम ब्रो माई पावर डाउन इज दा, मेरा स्टैमिना ड्रेन हो चुका है गाइस, इसलिए मेरी पावर डाउन इतनी जल्दी हो गई। बड़ी मरने में जमाए गाइस, भाई बस 300 मिलियन हेल्थ भाई। ये गया बेटा मन में लट्टू फुटा है, मरेगा भाई। डाल आज स्टैमिना नहीं है भाई, मैं अपना वो वाला अटैक यूज नहीं कर सकता बम वाला।
भाई मेरे पास स्टैमिना ही नहीं है। ठीक है चलो चलो कोई ना, ऐसे ही मार दूंगा, ऐसे मार देंगे, ऐसे ऐसे ही मार देंगे इसके भाई, अंदर घुस चुका हो पूरा का पूरा। ठीक है ऐसे मार देंगे इसको, मेरे पास स्टैमिना नहीं है, फिर भी गाइस मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ गाइस इस बॉस की बैंड बजाने के लिए। ठीक है इसकी बैंड तो हम लोग बजा के रहेंगे यहाँ पे। ये ले बेटा, मरने वाला है गाइस, मरने वाला है, ये मरने वाला है बेच के आप भाई। यार काश मैं अपना स्पेशल अटैक मार पाता, लेकिन उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा स्पेशल अटैक बेच के ऊपर। सो अटैक मार के भी कुछ खास फायदा मेरे हिसाब से तो होगा नहीं। मरना भाई अंकल, अरे मर जाना भेज की अगिया, खत्म खत्म गाइस, मरने में जमा ले बेटा 80 मिलियन, 70 मिलियन, 60 मिलियन, ले 50, ले 50 मिलियन भाई। मरने वाला है, मरने वाला है, मरने वाला है, मरने वाला है, मत भेज क्या किसी मिलियन को, तो पहले पेलूंगा मैं। इधर आ, इधर आ, 18, 13, 12 खत्म, गेम ओवर। अरे भागो रे, भग जाओ भेज के आग, भग जाओ भेज के आग। गाइस पेड़ डाला भाई, वो वाइवरन किधर जा रहा है, इधर आ, इधर आ, तू किधर जा रहा है भाई, तेरे को क्या लगा तू बच गया। बस वन शॉट ब्रो, वन शॉट ब्रो, लेट्स गो भाई। सो ब्रो भाई तेरा भाई बहुत ज़्यादा ब्रो, रुको क्योंकि यहाँ पे वो डेड डिबिटी स्पॉन हुआ है क्या, हमेशा स्पॉन होता है वैसे। लाइटिंग बिटिंग मार रहे हो, पॉइजन भाई, पॉइजन अटैक भैया, रुको पॉइजन बिजन अटैक डाल रहे हैं, हीलिंग पोशन बना लेता हूँ। बको बेच क्या, बको बेच क्या, मार 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 भाई, तेरा बिना नोज फोन हो रहे। रुको रुको रुको, इधर आ, बस बस भाई नहीं वो हो गया स्पॉन भाई। कितने बॉस स्पॉन होंगे भाई आज, तो भाई सारे बॉस इसकी बैंड बजाऊंगा मैं, वो इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। वो वन शॉट मर गया, लेकिन वन शॉट मर गया भाई, मेरे स्पेशल ही वाले अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ था उसके ऊपर। बट अबे भाई डोडो रिपर भाई, तेरे को टेम कर चुका हूँ मैं, तेरे को टेम कर चुका हूँ भाई, अभी स्पॉन हो रही है। बस बेच क्या, इसको भी मार डालूंगा, इसको भी मारूंगा। और कोई स्पॉन हुआ है कोई खतरनाक सा, डायनो नहीं हुआ है। चलो गाइस तो रिजरेक्टेड गोलम की तो हम लोग ने बैंड बजा दी है, और अभी आप बोलोगे ओरिजिन को नहीं मारा है, देखो ये ओरिजिन जैसे आए गए। ओरिजिन गाइस कुछ भी नहीं अपने सामने, कुछ भी नहीं है भाई, नल्ले से भी ज़्यादा भाई अगर कोई चीज़ होगी तो वो अपने सामने, अभी वो ओरिजिन है। उनको तो कोई भी आंटू पांटू टॉक्सिक वाला डायनो भी आके मार के चला जाएगा गाइस। ठीक है रुको, अभी अपन लोग चलते हैं हार्ड मोड में, बायोनिक मैग्मासोर को मारेंगे। मैंने बोला था गाइस दो बॉस फाइट होगी, एक दो बायोनिक मैग्मासोर और एक रिजरेक्टेड गोलेम, और उनके अगेंस्ट एक अपना करप्टेड असेंडेड सेलेस्टियल स्पाइनर। ओ यस, आ जाओ चलो, हाँ तो इस मैग्मासोर के बच्चे को, ए भाई हाँ पावर अप है ना इस बार, हाँ भाई पिछली बार तो पावर डाउन कर देते यार स्पाइनो, क्या बोले यार तेरे को बेस क्या। वो मैंने कल वाले एपिसोड में भी ना स्पाइनो टीम करा था, मुझे याद आया अभी भाई, आज आज तो वो लोग स्पाइनो पे स्पाइनो पे स्पाइनो पे स्पाइनो टेम करे जा रहे, मतलब भाई सीरीज में लगातार 3 एपिसोड में हमने स्पाइनो टेम करे भाई। ठीक है आ जा भाई, अरे मैग्मासोर कम ऑन कम ऑन, अरे तू तो मर जाएगा रे, अरे तू तो मर जाएगा रे। अबे यार इसके ऊपर मेरा स्पेशल अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा है, हाँ बस 18 मिलियन मेरा भाई। एक पावर अप करना, पावर अप कर, दो पैरों पे खड़ा हो, 32 मिलियन, चल 35 मिलियन बेटा, कल आना कल। ठीक है अबे अटैक देखो, ये भी मार रहा है भाई, पूरी दुनिया हिला रहा है मेरी, अबे बोल के डैमेज तो है इसका भी। मर गया खत्म, टेमेबल और जन स्पॉन हुआ इसका, नहीं यार टेमेबल और जन स्पॉन नहीं हुआ, हो जाता तो मजा आ जाता लेकिन हुआ नहीं। चलो कोई ना, लेकिन हम लोग ने गाइस बॉसेस की पुंगी तो बजा डाली गाइस। ओ मेरे को वो वुल्फ भी मिल गया स्पिरिट वाला थोड़ा सा नहीं, जो स्पिरिट वाला वुल्फ होता है वो मिल गया डायरेक्टली मेरे को। एक्स भी आउल भी मिल गया इस बॉस फाइट से। सामान तो काफी ज्यादा ओपी वाला मिलता है यार, गोल्डन कैरेट फ्यूचर में कभी काम आ जाए मे भी। ठीक है चलो गाइस, तो भाई लोग बताओ ये आपको हमारा ये जो प्यार सा, रुको गाइस ये सामान लेने दो, इम्पोर्टेंट सामान है, ठीक है इम्पोर्टेड सामान है, हाँ ठीक है। सो गाइस बताइए आप लोग हमारे प्यार सा सेलेस्टियल वाला 1.6 बिलियन डैमेज देने वाला है जो स्पाइनो है, ये आप लोग को कैसे लगा? अगर आपको हमारा ये सेलेस्टियल वाला जो खतरनाक सा स्पाइनो है वो अगर पसंद आया होगा ना, तो इस वीडियो को लाइक दिस, शेयर दिस चैनल को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अभी ये वाला जो एपिसोड है ना, हम लोग इसी के साथ यहीं पे खत्म कर लेते हैं, इस बॉस फाइट के साथ और सेलेस्टियल स्पाइनो के
कि वो ल्यूसेन के साथ भाई, ठीक है। और आपसे सीधा मिलते गाइस हम लोग यहाँ पे अगले वाले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल बोल के आर्क न्यू मेगा मॉडल सीरीज के। बाकी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना गाइस कि ये सीरीज हम लोग को द एंड करनी चाहिए या फिर थोड़ी सी और गाइस यहाँ पे जो भी डायनोस बचे कुछ है उनको टेम करने चाहिए, उसके बाद गाइस एंड करनी चाहिए। नीचे कमेंट करके मेरे मुझे जरूर से बता देना। बाकी तो ये वाला जो हमारा प्यारा प्यारा सा एपिसोड है हम लोग गाइस इसी के साथ यहीं पे खत्म कर लेते हैं। मिलते हैं सीधा गाइस आपसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल बोल के आर्क न्यू मेगा मॉडल सीरीज के। तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग। मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were